क्या नाम लिखते हैं आप? केपी त्रिवाणी। क्या है आप विपणन क्षेत्र में क्या काम करते हैं? गोदाम प्रभारी। तुम्हारी जैसा कि जानकारी मिल रही है, किसान लगातार परेशान है। केंद्र में मोदी सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों को लगातार हम खाद दे रहे हैं। इधर यहाँ के राज्य में जो शिवराज सरकार है वो भी यही कह रही है कि हम किसानों को लगातार खाद दे रहे हैं, लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि खाद किसानों को ना पहुँच के सीधा बिचौलियों के हाथ में जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए सर, मैं तो रिकॉर्ड देखते हुए अपने किसानों को भी खाद दे रहा हूँ और छोटे किसानों को कल ऐसी व्यवस्था जो बनाई है जो एक एक दो दो वही छोटे किसानों को भी दिया है। बाकी टोकन बांट कर मैं बैठे के टोकन या हफ्ते में दो तीन दिन के टोकन बांट के टोकन द्वारा मैं उनको खाद प्रदान किया जा रहा है और छोटे किसानों को भी एक एक दो दो बोरी लाइन से उनको भी दी जा रही है। जैसा कि किसानों का कहना है हम दो दो तीन दिन चार चार दिन से लगातार रात गुजार रहे हैं फिर भी उनको समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए हाँ सही है उनका कहना जी। उनका कहना इसलिए सही है क्योंकि खाद सेंटर है एक सोसाइटियों की लिमिट सही लिमिट ज्यादा नहीं होने के कारण जो सोसाइटी आए यहाँ से पूर्ति सही तरीके से अपने किसानों को नहीं कर पा रही है। पर क्या है उनके पास लिमिट नहीं है इसलिए वो यहाँ से खाद उठाने से हमारे पास कई सबूत है कि किसानों का ये कहना है कि आप सीधा ब्लॉक में खाद बेच रहे हैं, किसानों का खाद नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं हो रहा है। यूरिया, अच्छा यूरिया का क्या रेट है अभी सरकारी? यूरिया का सरकारी 266.50 रुपए। अच्छा डीएपी का क्या रेट? डीएपी का 1200 रुपए है। अच्छा कितने किसानों को खाद वितरण होना है नगद केस में आपके काउंटर से? भाई मेरे यहाँ से केस में जो किसान आएगा और जितना मैं कर पाता हूँ शाम तक 50 रुपए। ऐसा कोई आरोप लगा रहे हैं लोग क्या आप ब्लैक में खाद बेचते हैं, क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं ये गलत। थैंक यू।